आर यू फ्रॉम एलेन इन थ्यूज बैच राघो में तो पहली बार बात कर रहा हूँ किसी राघो से आई टी इन बट आईटी इन फ्यूज में रागो Mubin, he is not from our batch. Which batch, Drago? I also not recognizing.

तो बुकलेट में देख लेना बुकलेट में रिएक्शन प्रॉपर दिया हुआ है वो कट किया हुआ कट नहीं है वो करेक्ट है ए टू होता है ए टू एक्चुअली डिजोल्व हो जाता है आर सीओ एच से रिएक्ट करके ये क्या बन गया ये तो ऑक्सीडाइज कर देगा RCOOH. और इसको सिल्वर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा था सिल्वर खुद रिड्यूस होता है और एल्डिहाइड जो होता है ऑक्सीडाइज होता है तो टॉलेंसी तो रिएजेंट कौन सा हो गया एजी थ्री प्लस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से RCOH AG आ जाता है क्लियर इसके रिएक्शन लिख लोगे बट कोई जरूरत नहीं लिखने की मतलब बुकलेट से चाहो तो लिख लो और दो रिएक्शन दिया हुआ बस यही समझना है कि सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है तो सिल्वर मिरर टेस्ट टेस्ट होता है ये ट्यूब के चारों सिल्वर होगा तो मिरर की तरह दिखने लगता है तो हम लोग को ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन क्या हो गया क्लियर ना सिल्वर क्या किया एजी प्लस से खुद रिड्यूस हो गया सिल्वर का तो तुम्हें मालूम है सिल्वर खुद बन जाएगा और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो कौन कौन सा पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट आर गिवन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो तो कौन कौन सा है ये अच्छे से याद कर लेना इस पर बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट कौन सा हो गया ऑल एलिफैटिक अमाइंस कौन सा हो गया ऑल एलिफेटिकल एल्डिहाइड्स मतलब एल्डिहाइड में सब चल जाएगा कौन कौन सा आर सी एच ये ऑल एरोमेटिक एल्डिहाइड्स सीओ एच भी चल जाएगा बट एक टॉलेंस हो गया फेलिंग में ये नहीं चलता बेंगल डी नहीं चलता बेंगल डीहाइड नहीं चलेगा फॉर्मिक एसिड भी चल जाता है ये टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड बट फॉर्मिक एसिड में तो ये है ना एल्डिहाइड का भी एक पार्ट है ना तो फॉर्मिक एसिड भी चलेगा क्लियर तो थर्ड वाला नोट कर लेना थर्ड वाला वो दिख नहीं रहा है थर्ड वाला इज फॉर्मल डिहाइड फॉर्मिक एसिड अनह इज इन वेटिंग रूम ओके ऑल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब कीटोन में भी एक है जो देता है कौन सा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आर इजिली ऑक्सीडाइजेबल कीटोन क्या होता है ये है ना सीओ आर अल्फा हाइड्रोक्सी सी एच टू ओएस ले लो आर सी एच ओ एस अल्फा पर हाइड्रोक्सी है ना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इस पे भी होगा कौन कौन सा हो गया एल्डीडीहाइड फॉर्मिक एसिड अल्फाइटिकटोन अब इसके अलावा आगे का लिस्ट पूरे ऑर्गेनिक में करके याद करना बट ये चार तो लर्न हो जाना चाहिए ठीक है ना ये अभी नहीं पूछेंगे बायो मोलिक्यूल के बाद पूछेंगे क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं मोनोसेक्राइड्स क्या है ये तुम्हें मालूम ही नहीं डायसेक्राइड्स क्या है बट लिस्ट तो अभी लर्न कर लेना बट अभी नहीं पूछेंगे वो मोनोसेक्राइड है डायसेक्राइड्स है अब हेमी एसेटल भी है मतलब क्या था आर सी ओ एच ओ आर ये याद है और एसीटल क्या था एल्डिहाइड पे दो ओ आर ग्रुप का एडिशन ऐसे था ना इसमें क्या आ जाएगा ये हेमी एसीटल आ जाएगा क्लियर आर सी ओ एच ओ आर वाला ये वाला पार्ट और कैटेकॉल आएगा कैटेकॉल कौन सा कैटेकॉल सबको मालूम होगा टू ओ एच वाला ओ एच ही है, सोचो एयर में लाते हो तो पिंक कलर का हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर फिनॉल दो एच होगा पायरोगेलोल याद होगा ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए यूज करते हैं हम लोग वो क्या है वन टू थ्री तीन प्रीन ओ एच यही है ना पायरोगेलोल उसके बाद क्या हो गया हाइड्रोक्सी फिनोल फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेट आयन फिनाइल हाइड्रोक्सी एम ऑल एल्काइंस हाँ वन एल्काइन भी इसका टेस्ट रहता था, था याद करो आर सी टोपल सिल्वर के साथ वाइट प्रेसिपिटेड कॉपर फेलिंग सोलन के साथ रेड प्रेसिपिटेड का तीन टेस्ट था एसिडिक हाइड्रोजन का एक तो था आ, कोई सोडियम वगैरह डाल दो तो हाइड्रोजन बाहर आएगा एक सिल्वर के साथ सिल्वर एसिटेलाइट और कॉपर के साथ कॉपर एसिटेलाइट ये सब लिस्ट है तो वो बाकी साइड लिस्ट है ये वन टू थ्री फोर ही आते हैं कहीं भी बुक में कहीं भी यही चार दिए रहेंगे बाकी सब अनकॉमन है जो मैंने लिस्ट। आ, अल्फा था में। अभी ये नोट कर लोगे। उसके बाद ये किसी ने स्पैन किया क्या कोरोना वायरस कैसे वेट कर रहा है पार्टिसिपेंट लिस्ट में कोरोना वायरस वॉन्ट टू बी एडमिटेड पहले राघव बन के आया वो कोरोना बन के आ रहा है कुछ कुछ आ रहा है हाँ okay. मिल लूंगा ही नहीं कोरोना वायरस लिखा हुआ है तो उसे क्यों अंदर लू सबको इन्फेक्ट करना है क्या नेक्स्ट इसमें चले जाओ टॉलिस्स रिएजेंट इज स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजर स्ट्रॉन्ग जो है कौन सा है बाकी तीनों का है, है फेलिंग अब देखो फेलिंग क्या है? बुकलेट में भी देखो लिखा होगा इस जैसे इसमें सिल्वर होता है फेलिंग है क्या होता है कॉपर होता है फेलिंग सोल्यूशन देखो क्वेश्चन uh, बुक में लिखा होगा कि ये B, salt, ये दिया है। और बी और को मिक्स किया तो फिर क्या आता है तो हम लोग को ये सबसे मतलब ही नहीं है क्या क्या है हम लोग को मतलब कॉपर होता है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके खुद तो उसको एसिड बना देगा और खुद रिड्यूस होगा कॉपर सी में और सी का कलर रेड होता है टॉलेंस टॉलेंस और फेलिंग ये दोनों सॉल्यूशन हम लोगों ने वन एल में में किया था टॉलेंस में प्रेसिपिटेट एंड कॉपर वाले में रेड प्रेसिपिटेट. यही था ना आता सीयू टू प्लस से सीयू प्लस आ जाता है नीचे एक पॉइंट दिया होगा बुकलेट में बेंजल डिया नॉट गिव दिस टेस्ट है. ये बार बार आता है ये तो आएगा ही इस बार टेस्ट में आईटी का कई बार क्या हुआ है फेलिंग और इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है तो फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर होता है यही है ना जो क्या हो जाएगा कि एल्डिहाइड को सी यू टू प्लस यूज करोगे तो क्या बन जाएगा सीयू टू प्लस आर सी ओ एच यही बनेगा ना बट ये क्या हो गया रेड पीपीटी हाँ। अब ये किसके साथ फेल होगा इट फेल्स विथ जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एरोमेटिक एल्डीहाइट मतलब बेंजल डिहाइड का टेस्ट नहीं देगा माइल्ड है ये सोचो सिल्वर स्ट्रॉन्ग है ना सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था बाकी सब में तो कॉपर ही है बेनेडिक्ट में भी कॉपर ही है तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सिल्वर बहुत स्ट्रॉन्ग हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल का उसका इनॉट जीरो पॉइंट एट था कॉपर का जीरो पॉइंट थ्री फोर था वो क्या होगा आराम से ऑक्सीडाइज कर दे रहा एरोटिक एल्डीहाइट को ये नहीं कर पाएगा

Solution, सबका बस यही दो आएगा फेलिंग टॉलेंस uh, और फेलिंग बेनेडिक्ट और सिप्स कभी नहीं आता है बट ये पूछ दे तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या है है ना उसमें क्या था सोडियम पोटेशियम था बुकलेट में देख लो इसमें क्या दिया सोडियम साइट्रेट यही है ना इसमें साइट्रेट है उसमें टाइटरेट था तब पूरा टाइटरेट क्या है साइट्रेट क्या वो सब फॉर्मिला की जरूरत ही नहीं बस कॉपर देखो सीयू प्लस इसमें भी है उसमें भी है ये भी सीयू बनेगा तो ये सारा जो जो टेस्ट स्पेलिंग दिया वो बेनेडिक्ट भी देगा दोनों सेम ही टेस्ट है दिया हुआ ना दिस इज आल्सो सी एस ओ फोर एन सीओ टू सोडियम पोटेशियम का सॉल्यूशन है साइट्रेट सॉल्यूशन है हाँ तो जो भी बेनेडिक्ट टेस्ट देगा वो ये भी देगा तो सीओ टू इसमें भी फॉर्म होता है ओके रेडिस ब्राउन चला जाता है नेक्स्ट रिएक्शन विथ सिप्स रिएजेंट सिप्स रिएक्शन रिएजेंट इज वॉट देखो क्या दिया हुआ है uh, पैराजेलिन हाइड्रोक्लोराइड ये होता है बट उसका जो पिंक कलर होता है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं कैसे गैस से पास करके एसो गैस क्या होता है ब्लीचिंग रिएजेंट होता है ब्लीचिंग एक्शन मैंने बताया था एसो और सीएल दो का ब्लीचिंग एक्शन होता है ये दोनों किसी भी चीज को ब्लीच कर देते हैं रिएक्ट करके उसे ऑक्सीडाइज कर देता है ऐसे मतलब ये तो खैर दूसरे में चर्च करता है उसको कलरलेस सोलोन सोलिन बना देता है एसो टू ये रिडक्शन के थ्रू करता है ये इनऑर्गेनिक में देखोगे कि एसओ टू

बट एयर एयर क्या करता है उसमें एयर में एयर में ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडेशन कर देता है उसको यही है ना तो फिर वो वापस कलर आ जाता है तो इसका भी वही एयर जेनेलिन में एसो टू पास करके डिकलराइज किया हुआ है है ना अब इसको उसका सॉल्यूशन जब तुम करोगे एल्डिहाइड से पास करोगे तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा एंड कलरलेस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिक्स रिएजेंट एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद दिस रिएजेंट

एल डी हाइडेड और नहीं कलर वापस आया मतलब वो कीटोन है ओके okay. ये चार हो उसके बाद एच जी सी एल टू बुकलेट में एक, एक एक्स्ट्रा दिया हो उसकी जरूरत नहीं उसे छोड़ देना डायरेक्ट उसमें कैलोमल होता वही है क्या देख लो लिखा हुआ था बट कहीं आता नहीं एच जी सी एल टू स्कोरोप सब्लीमेंट है ना उसमें क्या होता है एच जी सी एल टू पहले मर्क्यूरस बनेगा एच जी टू सी एल टू पहले खुद प्लस टू से प्लस वन ऑक्सीडाइज हुआ और प्लस वन से जीरो होता है तो फिर तुम्हारा ब्लैक प्रेसिपिटेट पर चला जाता है तो ये एल्डिहाइड का टेस्ट ये भी देगा ठीक है उसके बाद एक रूल दिया हुआ ऑक्सीडेशन का बुकलेट में नहीं है फेलिंग बुकलेट में है देखो टेस्ट आइडोफॉर्म तो पहले कर चुके हम लोग हाँ वो तो पूरा डिटेल में किया हुआ है अभी बस ये टॉलेंस एंड फेलिंग अच्छे से याद कर लेना टॉलेंस का बाद में तुम्हें आएगा कौन कौन से कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देंगे तो तब पूरा लिस्ट आएगा अभी तो यही पहले चार वाले देंगे हाँ बुकलेट में है वो मैंने देखा अभी ओके बुकलेट में पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे बुकलेट का पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पी का पेज नंबर थर्टी वन दिख रहा है ठीक है तो वो सब आइडोफॉर्म टेस्ट वगैरह वो सब है देख सकते हो या बाद में देख लेंगे अच्छा देख ही लो देखना है तो वो टेस्ट देख लो फॉर्मल डीहाइड एसिटल डीहाइड और सी एस थ्री सी एच ओ इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा जिसमें सी एस थ्री सी ओ तो एसिटल डी और एसिटोन ये टेस्ट देंगे आइडोफॉर्म दिखाया हुआ ना कि एसिटल डीहाइड एसिटोन देंगे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ चाहिए फॉर्मल डिहाइड नहीं देगा पायरोगल के साथ ये व्हाइट पीपीटी बनता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें टोल फेलिंग ये देख लो ये दो एल डी हाइड है दो एल डी हाइड है ना पहले फॉर्मल तो नहीं देगा नहीं देगा, टेस्ट, सारे एल डी हाइड किटोन सब देंगे अब इलिस्ट्रेशन टेन देखो यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रेड प्रेसिपिटेट फेलिंग सॉल्यूशन ग्लूकोज फॉर्मालीन, फ्रुक्टोज तो लिस्ट में तो सब था ग्लूकोज फ्रुक्टोज सब था ना सिर्फ एक ही नहीं था बेन्जल ठीक है तो बेंजल डिहाइड डॉट गिव तो कौन सा नहीं देगा ए नहीं देता ओके क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा बिगनस वॉक्स फाइव में

फॉर्मेलिन फोर्टी परसेंट एक बोलते अपना तियो, 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 कुछ बच्चे गया था मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए क्या नाम था उस बच्चे का मैं भूल रहा हूँ वो बंगाल चला गया दार्जिलिंग के लिए बोलता पढ़ने का मन ही निकलता जब मन करता बाहर निकल जाऊ घूमने के लिए इतना अच्छा है वही बता रहा था कि कॉलेज में जाओ तो बस फॉर्मेलिन की गंध आते रहती है जहां पे भी जाओगे जो भी बॉडी आती है उनको फॉर्मेलिन में डिप करके करते हैं और इतनी खराब बदबू होती है कि खड़ा नहीं हो जाता धीरे धीरे आदत हो रहा है कई बच्चों ने तो मेडिकल से वापस ले लिया एडमिशन अपने इस फॉर्मेलिन के चक्कर में उसमें बॉडी डिके नहीं करता तो फॉर्मेलिन सोल्यूशन में डुबा डुबो के रखते हैं उस पर सोल्यूशन लगा के रखते हो यही फॉर्मेलिन है फोर्टी परसेंट एक्वास्ट फॉर्मोली फॉर्मेलिन तो टेस्ट देगा ना फॉर्मेलिटी आइडिया ना डज तो नॉट गिव दिस टेस्ट वाला था ओके okay, बिंगस वक्स फाइव हो गया पहला हो गया हाउ विल बिटवीन फॉर्मल क्लियर है? बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होती है हो गया सर कर लिया तुम लोगों ने हाँ तो आगे आगे पढ़ के कर ले रहे हो तुम लोग क्लियर हो गया टॉलेंस कर दो टॉलेंस इससे रिएक्ट करेगा बेंजल डियाड से नहीं करेगा डीएनपी दो गए तो दोनों से रियक्ट करेगा क्योंकि वो तो कार्बोनिल का रिएक्शन है हाउ विशियट बिटवीन फॉर्मल डीड एसिटल फॉर्मल में नहीं होगा थर्ड का ये तो रिएक्शन मालूम है पहला कौन सा एक्लेमेंसन रिडक्शन सी एस टू सी एस थ्री आएगा एनबीएसआर आएगा एल्होहलिकल्कोहलिकलीमिनेशन फिर एच सी एल दे दो और ये क्या हो गया Uh, ये आ जाएगा ना अच्छा वो एक ही रिएक्शन था ये तब ये पूरा करोगे तब होगा फोर्थ बताओ विच विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद द टॉलेंस इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं टोलेंस में क्या होता है सिल्वर डिपोजिट होता है ना तो सिल्वर का मिरर जैसा साइनिंग आता है यूट्यूब पे तुम्हें दिखेगा सिल्वर पूरा बन गया डिपोजिट हो गया मिरर जैसा चमकता है कौन सा टेस्ट नहीं देगा नहीं विच गिफ्ट टेस्ट ऑल देते हैं है ना सारे एल्डिहाइड एसिड में एक ही एसिड है फॉर्मिक एसिड क्योंकि उसमें एच एच है फॉर्मिक एसिड में दोनों पार्ट है ना एल्डिहाइड और एसिड क्लियर बाकी तो एडोफॉर्म ड्रोमोफार्म ये सब अब लगता है मुझे आराम से कर लेता हो गया अर्थ बताओ एसिट और एसिटोन फेलिंग सोलेंशियट कर देगा एल कौन सा नहीं है बिल्कुल ग्रिगनाट नहीं करेगा दोनों से रिएक्ट कर जाएगा देख लो क्लियर हो जाता रहा इसका ब्रेन मैप बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन है बड़ा चैप्टर है तो ब्रेन मैप अच्छे से एक लास्ट में लिख देना नोट्स में ओके okay. क्लियर हो गया देख लो तो वो सेकंड वाले में आर्डो फॉर्म टेस्ट कैसे सेकंड 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 आर्डो फॉर्म किसका सेकंड में फॉर्मल डिहाइड और एम ई सी एच ओ फॉर्म तुम भूल गए हो फिर आर्डो फॉर्म टेस्ट कौन से देते थे ये नहीं देगा एडो फॉर्म टेस्ट आर्डो फॉर्म किसका टेस्ट है सी एस थ्री आर इसका टेस्ट है ना ये होगा था एडोफॉर्म टेस्ट देगा ये वही था ना ओ एच माइनस देते जाओ एक एक करके एच प्लस हटाते जाएगा या आयोडीन देते जाओ आयोडीन इस पर अटैक करते हुए सी आई थ्री बन गया था सी ओ आर हो गया था फिर ओ एच माइनस आया था और इसको रिप्लेस कर दिया था ऐसा आर सी ओ एच और ये बन के सी एच आई बन गया था ये था ना ऋषभ हो गया ये पार्ट नेक्स्ट करो मतलब आगे सारे इजी पार्ट है ऐसे ही टाइम पास कंसेप्ट देख लो इस बिगनेस बॉक्स में कोई डाउट है देन पॉप्स बताता मैं ठीक है देखो और सब देख लेना एक बार क्या होगा ना तुम टॉलेंस स्पेलिंग बेनेडिक्ट कर लोगे तो सबकॉन्सियस माइंड से लर्न हो जाएगा यूट्यूब पे देख लेना कलर हमेशा सबकॉन्सियस माइंड याद करता है तो एफर्ट कम हो जाता है ये तो किया था पॉप्स रूल याद है किटोन को यदि वेरी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाए स्ट्रग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये दो एसिड में ब्रेक हो जाएगा आर सी आ रहे तो CO उस पार्ट के साथ जाएगा जाए जाए जहां जाए 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 पर लेस नंबर ऑफ कार्बन हो CO गोज विथ that side वेर लेस नंबर ऑफ कार्बन इज देयर ये आर बन जाएगा और इसका भी RSCOH बन जाएगा CO गोज विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन ये किया है मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग दे दोगे तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज होगा ये अल्कोहल में किया था मैंने जैसे सी सीओ सी एस टू सी एच टू सी एस टू सी एस थ्री है तो इस साइड कम कार्बन है तो सीओ इसके साथ चला जाएगा इसका लगाएगा तो ये दोनों को ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा एक बन जाएगा एसिटिक एसिड और दूसरा किन कार्बन का एसिड तीन कार्बन का एसिड क्या होगा सी एस थ्री सी एस टू सीओ एच और रियल सिल्वर ही तो है ऐसा ही दिखेगा तब तो ऐसा ही याद होगा अभी तो मैंने न्यूज पढ़ा की फर्स्ट से ही ओपन करने जा रहे हैं दिल्ली में कई स्कूल कॉलेज तो अपना भी अच्छा चांस है अब मिलने का रिविजन अच्छा हो जाएगा फिर ये देखो ड्यूरिन ऑक्सीड ये किया था ना पॉप्स रूल याद है कि सीओ गोज विद दैट साइड वेयर लेस नंबर ऑफ कार्बन इज देयर ये मैंने इसमें टू डिग्री अल्कोहल में करा दिया था टू डिग्री अल्कोहल से किटोन आता है किटोन ऑक्सीडेशन से एसिड आएगा तो वही था ना टू डिग्री अल्कोहल किटोन आया फर्दर पॉप्स रूल लग गया नेक्स्ट देखो वही नेक्स्ट नेक्स्ट पे दिया हुआ है कि उसको ब्रेक किया हुआ है यही है ना अब ब्रेकिंग मैकेनिज्म किया है कि ब्रेक क्यों होता है सर उसका मैकेनिज्म क्या है पॉप्स रोल का इसका इनऑल फॉर्म बना लो तो ये क्या होगा सीएस थ्री सी एच ओ एच डबल वन सी एच सी टू सी थ्री ऐसे होगा इस साइड ज्यादा स्टेबल होगा जिधर ज्यादा कार्बन होता है ऐसे रहता है ना कुछ दिल्ली में रिकवरी था उन्होंने वो बिन क्या बोला था उन्होंने बट नहीं? दिसंबर में ही चालू होगी अच्छा ट्रेन दिसंबर में स्टार्ट होगी हाँ वो तो क्राउडेड चीज होगी वो जल्दी नहीं होगा तो देखो टोटोमेरिज्म से ये इसको दो पार्ट में तुम ब्रेक करोगे इस तरह से

<laughs> आज लास्ट ईयर हाँ का कंबाइन होगा सही बोलो सीट डबल कर दे कंबाइन कर दे सबके लिए अच्छा है नहीं नहीं जुआ का कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए जोया ऐसा हो जाए तो तुम लोग तुम्हारे सीनियर तुम्हारे साथ पढ़ते नजर आएंगे ना ओके ऑक्सीडेशन देखो ऑक्साइड बाई पर एसिड्स देखो कार्बोनिल पर एसिड से रिएक्ट करता है पर एसिड का रिएक्शन याद होगा तुम्हें तो मैंने कहाँ बताया था सीएस टू डबल वन सी एस टू कोई भी पर एसिड दे दो क्या करता है पर एसिड इसमें तो तुरंत जाएगा बना देता है वो था ना करते थे फिर इन्हें उसके तो दो एच ट्रांस आता था तो वहां पे पर एसिड यूज किया था तुमने अब कीटोन में भी पर एसिड यूज करेंगे कीटोन में पर एसिड यूज करोगे तो क्या होगा सोचो डायरेक्ट नेसेंट ऑक्सीजन आएगा आरसीओ एच है ना और वो बीच में इंसर्ट कर जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट टेस्टर ऑक्सीजन तो किधर जाएगा वही मतलब है तो ऑक्सीजन किधर जाएगा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन जिसके में कार्बन ज्यादा हो वही ऑक्सीडाइज होगा हाइड्रोजन की हाइयर टेंडेंसी है तो कुल मिला के ऐसा करके दिया हुआ ना बस यही पार्ट लर्न कर लो हो गया तुम्हारा H, then 3 degree, H, हो है न, तो ये तो वैसे ही है थ्री टू वन मिथाइल बस फिनाइल बीच में अंदर आ गया वो बस याद करना है बाकी एल्डिहाइड भी ज्यादा रिएक्टिव होगा ये भी मालूम है मतलब कि आर सीओ एच रहे और यहाँ पे पर एसिड दिया हुआ कोई भी पर बनजे हुई सब पूरा लिस्ट था ना तो पर एसिड कोई भी दिया रहे। क्या बना होगा एच की हाइयर टेंडेंसी है तो यही ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड तो तुरंत तो ऑक्सीडाइज होता है ना जैसे कि आर के जगह आर सी एच थ्री ले लो सी एच थ्री सी ओ ओ यहाँ पे सी टू एच फाइव दे रहेगा तो ये डायरेक्ट आएंगे मैकेनिज्म से भी मतलब नहीं है तो किसको इसको मैं ऑक्सीडाइज किसको करोगे सी एस थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव ऐसा ऐसा आएगा हाँ तो जिसमें कार्बन ज्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज करना जैसे थ्री डिग्री हो जाए सी एस थ्री सी एस टू हो गया और एक हो गया सी के साथ सी सा, एस थ्री यहां भी सी एस थ्री और ये भी सी एस थ्री तो थ्री डिग्री को तुरंत ऑक्सीडाइज कर दो सी एस थ्री सी एस टू सी ओ सी एम ई थ्री जिधर 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 ज्यादा कार्बन वही ऑक्सीडाइज करेंगे अब सी एच थ्री ट्वाइस सी एच सीओ और पीएच रहेगा यहाँ प्रिफरेंस किसका ज्यादा है टू डिग्री है ना नीएच से ज्यादा टू डिग्री के जाएगा है ना उसी को ऑक्सडाइज करोगे पीएच को छोड़ दोगे तब ओके तो ये क्या सी एस थ्री यहीं पे एक चेंज है जो कि पूछेगा नहीं ये जो चेंज होता है पूछता ही नहीं है पर जो लिखा है स्टार नहीं है वो सी एस थ्री सी एच हाँ तो यहाँ पे टू डिग्री का ज्यादा है तो सीओ पीएच ही बचा रहेगा बट सी एस थ्री के साथ पड़ गया ये तब तो पीएच की टेंडेंसी ज्यादा है तब क्या होगा सी एस थ्री सीओ पी एच लिस्ट क्लियर है ना ऊपर जो दिया है तो कुल मिला के लिस्ट याद कर लेना हो जाता है और कुछ नहीं करना इसमें मैकेनिज्म लिखने में थोड़ा इधर उधर है बुकलेट ओपन करो बुकलेट में एक बार मैकेनिज्म देखो बेयर आर विलीज कौन सा पेज नंबर है एनिमन मिल गया पेज नंबर ट्वेंटी थ्री बुकलेट में थोड़ा सा अलग कर दिया इसने फिनाइल पहले ले लिया के बाद पीएच तब थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री और मिथाइल ये कंफर्म करना पड़ेगा एक मैकेनिज्म देखो मैं एक बार देखता हूं एच के बाद पीएस लिया इसने लगता अब है वो, मतलब। बुकलेट में मिस्टेक है कि नोट्स में ये चेक करना होगा कई बार तो नए नए चीजें अभी सामने आ जाती है ना बुक्स इतना डिटेल देते नहीं है सब तो सब इस पर साइलेंट पड़े हुए हैं कहाँ पर जाएगा चलो उसको तक करके बताता हूँ बट लग रहा है कि नोट्स है हाँ हो भी सकता है बट लग रहा है कि नोट्स है बट इसको नेक्स्ट टाइम तक करते ओके तो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है तो एमबीगुअस चीज़ें देते भी नहीं अभी तक मोर सब्सिट्यूटेडेडेड बस ज़्यादा होता है क्वेश्चन तो कैसे देंगे कभी कभार देंगे और डायरेक्ट पूछ लेंगे क्या है ऐसे यहाँ पर सीओ दे देंगे यहाँ ये दे देंगे बोलेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा कोई पर एसिड दे देंगे तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा अच्छा पर एसिड है ऑक्सीडेशन होगा तो कहाँ पे ऑक्सीजन पुट करोगे ऐसे अभी सेवन में बन जाएगा इस तरह से ओके okay, तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन आते रहते क्या क्या नेक्स्ट में देखो बियर विलीजर का हो जाएगा एसिटो एसिडिक एस्टर सिंथेसिस वो देखो नेक्स्ट पेज पर जो दिया हुआ एसिटो एसिडिक अभी एक क्वेश्चन है जो आते रहते हैं इसको क्वेश्चन को फॉर्म में देते रहते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि CH2 CO CH3 ले लो और एक और ले या ओ सी टू एच फाइव अब NaOH रहेगा तो क्या होगा ये एक बेस है बेस है तो ये क्या कैप्चर करेगा H+ प्लस तो क्या बन जाएगा सी एच माइनस सीओ सी एच थ्री और इसका क्या बन जाएगा सीओ C2H5 सी टू एच फाइव तो ये तो कौन सा एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है ना एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मतलब दोनों साइड माइनस एम ग्रुप है M तो क्या करेगा यहाँ से तो हटा दिया तुमने फिर सी एस थ्री बी आ रही बहुत क्वेश्चन आते रहता है ऐसे तो यहाँ पे तुमने सी एस थ्री इंट्रोड्यूस कर लिया ना तो एक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पे के साथ। तो उसने आर लिया, तार ही ले लो आर बी आर ले लो आर बी आर और यहाँ सी ओ सी एच थ्री और सीओ ओ सी टू एच फाइव यही है। फिर आइडोलिस कर दो एसिड बन गया ओ, कोई इस प्लस कर दोगे तो क्या होगा आर सी एच सीओ सी एस थ्री और ये क्या बन जाएगा सीओ एच यही बन जाएगा ना और इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो क्या होता है हाइड्रोलिसिस से? एस्टर के हाइड्रोलिसिस ये बन जाएगा ओ OH एच और इधर एच ये बन जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच यही है ना आर सी और COH? अब इसको तुम हिट कर दो हिट करोगे तो क्या होगा तो बीटा एसिड है ये बीटा कीटो या अल्फा या बीटा बीटा पे किटो है ना एसिड हिट करने पे क्या होता है CO2 टू इज रिलीज ना तो ये CO2 निकल गया क्या बन जाएगा RCH, RCH2, COCH3 एक रिएक्शन एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं NALT देंगे RX देंगे तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में याद कर लो ऐसे एस ऐसे प्रोसीड करते जाता वो सर वही गूगल पे भी वही है गूगल पे नोट्स वाला है नोट्स वाला मतलब कौन सा वही है सब, कौन सा देखा तुमने नोट्स वाला करेक्ट है नोट्स करेक्ट है अच्छा गूगल पे नोट्स जो लिखा वही करेक्ट है तो वही मान लो जो नोट्स में वही करेक्ट होगा फिर भी कुछ होगा तो नेक्स्ट टाइम बता देता हूँ क्या करेंगे ना एडवांस में टफ करना होता है तो चार एजेंट देके ए बनाया फिर चार एजेंट देके के बी बनाएंगे तब पूछेंगे बी क्या है तो टोटल तो आठ क्वेश्चन मिला के एक के क्वेश्चन बना दिया उसमें एक भी नहीं आया तो गया तो ऑर्गेनिक जिसका बहुत अच्छे से याद है उसी का आया फिर जब टफ करना होता तो ऐसे भी कर देते वो बीटा प्लॉन सेचुरेशन तो उससे तुरंत अलग हो जाता ना एल्केन बताया था ना बीटा प्लान सैचुरेशन होगा बीटा किटो हो या बीटो एच हो या सी एस डबल सी सीएच टू हो हाँ तो उससे क्या हो जाएगा वो सीओ टू तुरंत बाहर आ जाता है सोडा लाइम नहीं देते उसके इसमें एन में क्या था हम लोग ने वो कंसेप्ट था कि जैसे सी एस थ्री सी डबल वन सी एच है यहाँ हो गया सी एस टू एच है इस तरह से होगा तो नो सोडा लाइम हिट ये बाहर सिर्फ हिट कर दोगे तो बाहर आ जाएगा अल्फा बीटा ये सब एल के था डिटेल में ओके रिडक्शन रिडक्शन में जाओगे तो क्या क्या होगा लिया डबल है, CS है ना अब तुम एच टू और एन आई दे दो एच टू तो, तो कहीं भी उसको ब्रेक कर देगा वो तो वो क्या बनाएगा एच टू इसको एलकेन तो को अराउंड को हाँ गया, हाँ गया, हाँ गया, भी एच एच एड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक एक कर CH2H हो गया, वन डिग्री एल्हल बट एल आई एल एच फोर किसको रिड्यूस करता है ये तुम्हें याद होगा ये बताया था कि अनसैचुरेशन को नहीं करता वहां बट फिनाइल के साथ अनसैचुरेशन है कंजुगेशन में तो होता था ये भी नोट्स याद होगा तुम लोगों को कि डबल बॉन्ड को नहीं करेगा अनलेस CH3 के जगह PH ना हो तो सिर्फ इसको करेगा यही है ना अब H2 के साथ वो रिडक्शन में ऐसा हुआ कि एलिल स्पोर की रिएक्टिविटी पे चलता है किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसकी कम है ऐसे तो फिनाइल वाले के साथ उसकी रिएक्टिविटी ऐसी बन जाती है कंजुगेशन में कि उसको भी कर जाता है वो बट फिनाइल ना होकर कोई अदर ग्रुप नहीं करता वो ये पॉइंट आते रहता है ये तो तो ये ये लर्न हो जाना चाहिए था था पहले बताया था ना ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ये वाला मतलब रहे ना पीएच सी एच डबल वन सी एच इस कंजुगेशन में रहा तो इसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा वो पीएच सी एच टू बल्कि रिड्यूस कर देगा सारे रिड्यूस हो जाएंगे बट सी एस थ्री के साथ नहीं होगा याद आ गया ये ओके नेक्स्ट विल्किसन काटा लिस्ट दे दो उसके साथ क्या करता है था जो अनहिंडबल बॉन्ड उसी को करता था हिंडर्ड पे नहीं जा पाता था बट अनहिंडर्ड को वो कर देता था तो यहाँ तक डबल बॉन्ड ही है उसी को करेगा वो और इसको कुछ नहीं करेगा एल रहेगा हाँ वहां पे एक मैंने दिया नेक्स्ट पॉइंट वही यदि सिनामल डिहाइड हो गया प्रोटोनल के जगह मतलब पीएच पीएच पी कंजुगेशन में तो डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा नहीं बट एनएबीएच4 नहीं होना चाहिए एनएबीएच4 नहीं सिर्फ फेलाइल एस4 एक काम करते हैं वहां पे एनएबीएच4 भी नोट्स में लिखा वो कट कर देना सिनेमल डिहाइड के साथ Double bond को नहीं करता था। तीन ही को करता है। एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हेलाइड ये अच्छे से याद कर देना एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हेलाइड इसके अलावा आरएक्स में करता है वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर में किसको करता है वो टू डिग्री थ्री डिग्री को वन डिग्री को नहीं करता तो वहां पे एन ए बी एच फोर हटा देना एन ए बी एच फोर होगा ना तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा ये लिख देता हूँ यहाँ पे इसके साथ एन ए बी एच फोर रहे तो डबल को टच नहीं करना वो उसको नहीं कर पाएगा पीएच सी एच डबल वन सी एच सी एच टू ओ एच हो जाएगा वो और एल आई एल एच फोर रहेगा ये तो स्ट्रॉन्ग है तब ये कर देगा हाँ उसे चेंज करो वही मैं बता रहा हूँ कि वहां पे एनए फोर वाला अलग से रिएक्शन लिख देना वो लिखना था और एनएबीएच फोर नहीं होगा एनए फोर कट कर देना वो ओके okay. नेक्स्ट अब एक और रिएजेंट दिया हुआ है एलडीए लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल प्रोफाइल अमाइड अमाइड सोडामाइड होता है ना अमाइड मतलब ऑर्गेनिक अमाइड नहीं एन एन पे माइनस को अमाइड बोलते हैं और ये डाई आइसोप्रोपाइल हो गया इसके साथ लीथियम है तो ये हो गया लीथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड अब इसका रिएक्शन जब एलडीए के साथ करोगे तो क्या होगा सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच है तो रिएक्शन दिया होगा पहला किस में एलडीए दे दिया गया और दूसरे में हीट कर दिया गया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट यही है ना हाँ तो इसके केस में क्या हो जाता है मतलब एक अलग से ही प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है एसिडिक हाइड्रोजन क्यों वो तो अल्फा भी नहीं है बट रेजिनेंस स्टेबलाइज है ना सी एच टू माइनस सी एच डबल वन सी एच सी ओ एच इज रेजिनेंस स्टेबलाइज इसके कारण ये ऐसे होगा इधर जाएगा इधर जाएगा ऐसे जाता है ना हाँ तो इसके कारण क्या होगा जब तुम एल दोगे तो इतना स्ट्रॉन्ग कि पहले तो एच प्लस हट गया तो बहुत स्ट्रांग होता है तो ये हट की ये की बन गया उसके बाद अब दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्ट कर जाएगा वो तो अब ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा जैसे एल्डोल था अल्फा हाइड्रोजन हटा दिया अब ये बन गया यहाँ पे एनए के बस का नहीं था एलडीए डाला गया तो ये हटा गया और जाके इस पे रिएक्ट करके कंडेंस कर जाएगा ये कंडेंस कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी एच थ्री सी एच डबल सी एच सी के साथ तो वो माइनस एच और यहां पर ये सीएस टू सी एच डबल वॉन्ड सी एच सी एस टू सी और ये सी एच आ जाएगा यही वाला बाद में क्या आ जाएगा वो माइनस को एच प्लस मिल जाएगा तो ये ओ OH एच आ गया अब एक बार फिर से यही रिएक्शन होगा हीट कर दोगे तो यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा हीट करने से क्या होगा ये ओ OH एच और यहाँ से एच हटा दो बीच में डबल आ जाएगा ना इसे और यहाँ पे भी फिर वही होगा सी एच टू माइनस आएगा वो जाके इस पर अटैक किया फिर से एक बार और एड हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो गया सीओ टी आ जाएगा ना वो सी ओ टी क्या नाम था साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कंजुगेशन में डबल बॉन्ड आते जा रहा है ना सब में ये क्या था इसमें कंजुगेशन नहीं था नो no कंजुगेशन क्यों इसको एनुलिन एट भी बोलते हो ये किसका एग्जाम्पल था नॉन एरोमेटिक कौन सा शेप था टब शेप एरोमेटिक ऐसे ऐसे था ना कैन्य एट बना दिया तुमने एक दूसरे पर कंबाइन करके दोनों क्या हो गया सीओ टी बन गया क्लियर है ये सब साइड कंसेप्ट ही चल रहे ओके ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है ये सब अलग अलग so, क्वेश्चन बाजू वाले हाइड्रोजन कोटोन को डाइकीटोन uh, बना देगा सी एस थ्री सीओ सी एस टू सी एस थ्री लोग मोर सबस्ट्यूटेड साइड कार्बन है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा वो और क्या बना देगा सी एस थ्री सीओ सी डबल बॉन्ड हो सी एस थ्री अल्फा कार्बन को क्या करता है ऑक्सीडाइज कर देता है वही दिया हुआ है ना मतलब कहीं भी रहे बाजू में बाजू में बस उसके इंट्रोड्यूस कर देना एक और एस सीओ टू डाइक्यूटोन बना देना तो डाइक्यूटोन कैसे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड यहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ बॉन बस हो गया क्लियर हुआ उसके बाद एक और रिएक्शन दिया हुआ एस के बाद मतलब सीएस थ्री सीओ एच रहेगा तो क्या होगा जिस बाजू वाले कार्बन को इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया करो सी डबल बॉन्ड वो कर दो डाइकेटोन बना दो दो तो कार्बन का डाइकेटोन बनेगा करना क्या है क्लियर है क्लियर ना उसके बाजू में बस डबल बॉन्ड कर दो दो हाइड्रोजन हटा दो डबल बॉन्ड वो कर दो यहां से ऐसे दो हाइड्रोजन हटा दो उसकी जगह डबल बॉन्ड ओ कर दो यहाँ भी दो हाइड्रोजन हटा दिया डबल बॉन्ड वो कर दिया इसमें भी हुआ यहाँ से दो हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड वो उसके बाद एक रिएक्शन दिया हुआ है ये तो पहले से क्या हुआ इससे क्या करोगे सीएस थ्री सीएस थ्री बस हेलो टेस्ट क्या बनता है इससे ये बन जाएगा सी एस सी एल थ्री और इसका क्या बन जाता है एसिड बन जाता है सी एस थ्री सी ओ ओ एन ये तो हेलो टेस्ट बस बताया हुआ ये ऑक्सीडेशन होता है जहां तो ऑक्सीजन है ना उसका बाजू वाला हाइड्रोजन इजिली ऑक्सीडाइजेबल होता है इसीलिए जब अल्फा किटोन ये चारों टेस्ट नहीं देते फेलिंग, दे, फेलिंग और ये सब है ना, ना बट जहाँ कर देता है किस में सी एस थ्री सीओ सीओ एच ऐसे जहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है ना वो उसका बाजू वाला इजिली ऑक्सीडाइजेबल हो जाता है फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के के साथ, फेलिंग के साथ, सब के साथ सबके ये देता है. फेलिंग, सिप्स और बेनेडिक्ट। okay. Next में कौन सा हो Reformist की रिएक्शन कभी मेंस में आया था डायरेक्ट प्रोडक्ट याद करना है, है ना मैकेनिज्म बहुत सिंपल है बट प्रोडक्ट तो पहले ही याद होना चाहिए मैकेनिज्म बाद में ये सब में, इतने सारे रिएक्शन है कि रिफॉर्मेकी में क्या होता है कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ वॉट अल्फा हेलो एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक टू गिव जो गिफ्ट बीटाइडर इसका मतलब क्या है उसने लिया क्या देखो सी एस थ्री सीओ एच लिया अब एक न्यूक्लियर फाइल चाहिए एड होने के लिए उसने क्या ले लिया अल्फा पोजिशन पे ब्रोमीन ले लिया है किसके एस्टर के सीओ सी टू एच फाइव ले लिया अब इसमें जिंक डाल दो आर एक्स प्रेस क्या बनता था याद होगा आर जेड एन एक्स और जो फर्दर रिएक्ट करके क्या बन जाता था R2 हो जाता था ना RR आ जाता था ना और या RX के साथ ND डाल दो तो भी यही था RMGX ऑर्गेनोबटालिक कंपाउंड थे यहाँ भी JN डालोगे तो क्या बन जाएगा CS2 JN BR ना और क्या बन जाएगा CO C2H5 अब CS3 COH है plus CS2 CO C2H5 है हाँ तो ये तो आर एम जी एक्स की तरह हो गया ना आर जेड एन एक्स को क्या प्लस। तो तुम्हारा काम तो हो गया ये प्लस चार्ज हो गया और ये माइनस हो गया न्यूक्लियर फाइल बन गया ना अब न्यूक्लियर फाइल जाके इस पर अटैक कर देगा तो कुछ भी नहीं था अल्फा था ब्रोमीन था जेड एन डाल दो आर एम जी एक्स टाइप का बन गया आर एम जी एक्स टाइप का बन गया तो क्या हो जाएगा आर जेड एन एक्स हो गया आर जेड एन एक्स हो गया तो आर माइनस आ गया क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एच ओ एच यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एस टू के साथ सीओ आई टी यही है ना देख लो इतना पार ओके सबको क्लियर हो गया क्या करना था बस उसको आर माइनस बनाया एड कर दो कुछ नहीं करना था इससे क्या बन गया पहले क्या था ये अल्फा हेलो एस्टर था अल्फा ब्रोमो था अल्फा ब्रोमो एस्टर था अब यहां से क्या बन गया ये अल्फा ये बीटा बीटा पे क्या आ गया हाइड्रोक्सी ना हाइड्रोक्सी एस्टर है राइट नेक्स्ट पे जाओ नेक्स्ट पे ये सब कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे बाद में अटेम्प्ट करके क्या है और इसी का है की का उसको देखना बेंजिलिक एसिड कर लो कर लो वो भी कर लो नहीं तो लगेगा कि नहीं क्या देखो ये कौन सा था एक क्वेश्चन दिया हुआ है कैसा है आ, वो, वो दिया हुआ यहाँ पे और सीओ एच है और बी आर जहाँ पे दे दिया और COM है डालोगे तो क्या होगा वो बी आर हो गया तो वहां पे एक माइनस आया वही आर माइनस जाकर वहां पे अटैक कर गया तो कहने के लिए बहुत बड़ा एक कंपाउंड बना दिया और कुछ भी नहीं किया वो, वो मतलब तुम्हें उलझाने के लिए कंपाउंड बहुत बड़े कर दिए गए बट जेड एन देखने के साथ समझ गया ना कि रिफोर्मेस की रिएक्शन है मतलब ये जितना भी बड़ा उससे हम लोग का क्या मतलब हम लोगों को तो मतलब बस एल डी हाइट से ही है ना और इसमें भी क्या हो गया ये जितना भी बढ़ाओ उससे भी हम लोग को मतलब नहीं हम लोग को तो बस ये मालूम है कि सीओ टी दिया हुआ है जो भी फॉर्म रहे यहाँ पे क्या है सी एस टू के साथ बी आर है जेड एन डाले तो जेड एन बी आर हो गया ये हटाओ यहाँ पे माइनस आ गया इसको ले जाकर ऐड कर दो और कुछ नहीं करना है बस ऐसे इसको एच बना दो यही किया ना अगला भी वही रिफॉर्मेंस की रिएक्शन है फॉर्म जो भी रहे तुम्हें जाना मतलब नहीं है करना क्या था आई के साथ बी को हटा दो दो जो पार्ट हो गया और फाइल जाके वहां पे ऐड कर दो। कौन सा फॉर्म दे दिया उसने मतलब ये फॉर्म बताया हुआ कि ऐसे ऐसे फॉर्म है कि फॉर्म रहेंगे तो घबरा मत जाना क्या है वो सब वही है बस तुम्हें इससे मतलब होना चाहिए कि एल है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई जेड एन सी एस टू सीओ चीए� टी है यहाँ पे सी एस टू माइनस को आओ अटैक करो और यहाँ पे OH बना दो यही क्या है ना देख लो ओके नेक्स्ट बेंजेलिक एसिड रिअरेंजमेंट करे ये भी आते है कम आता है बट कहीं कहीं आता है सोहम uh, so नहीं समझ में आया रोफन मस्की क्या नहीं समझ में आया बताओ एल्डोल समझ में आया था एल्डोल का कॉपी है एल्डोल में क्या था कि अल्फा हाइड्रोजन हट आते थे एल्डोल से थोड़ा कंपेयर कर दे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा में क्या था कि बस यहाँ सी एच टू के जगह इस था और यहाँ पे क्या देते थे तो सी एच टू माइनस आता था इसको एड कर देते थे, तो बस यही करते थे ना इस बार भी बस ऐसा ही कुछ है बस वहां पे सी एच टू माइनस बनाने के लिए ओ एच माइनस नहीं दे रहा वो तुम्हें जिंक एड कर दे रहा है जिंक एड कर, कर दिया तो क्या हो गया जेड एन बी आर आ गया तो जेड एन बी आर प्लस और ये तो फिर बन गया ये तो फिर की तरह ऐड कर दो मतलब वहां एन एच डाल आर माइनस बनाया था या जिंक डाल के आर माइनस बनाया बना और क्या डिफरेंस है बताओ मतलब जहां ब्रोमीन है वहां डालने के साथ बन गया आर को ले जाकर उस पर अटैक कर दो उसको एच ऐड कर दो उसके बाद ये स्टेप क्लियर है ना ये डॉल की तरह ये पार्ट ये जाके अटैक किया और यहाँ पे ओच आ गया बस प्रोडक्ट बना देना बाकी कुछ देखना ही नहीं तो आर माइनस पर अटैक करो इसको एच बना दो बस इतना ही पार्ट में है किसका बॉन्ड बना ओएच OH बना हाँ हम क्लियर हुआ बिल्कुल एल्डॉल ही है कुछ भी नहीं है एल्डॉल की तरह एकदम बस कंडेंस कर दो हो गया कम हाँ कम कंपाउंड बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स लेंगे और कुछ नहीं तो तुम्हारा क्या हमें जिंक देखना समझ जाना ये रिएक्शन रिफॉर्मस की रिएक्शन है बिल्कुल एल्डॉल की तरह कंडेंस कर दे ओके okay. नेक्स्ट बेंजिलिक एसिड रियरेंजमेंट ये कभी कभी कहीं कहीं देते हैं उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट यही एडवांस में तो जरूर दे देंगे क्योंकि इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अनकॉमन चीजों से बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट देखो इसमें क्या करना था वन टू डाइकिटोन वन टू डाइकिटोन अभी बनाया था ना सेलियनियम ऑक्साइड डाल के रीअरेंज टू गिव सॉल्ट ऑफ अल्फाहाइड्रोक्सी एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस दिस इज नोन एज हुआ ना सेकेंड स्टेप इज द आरडीएस सबसे लास्ट में दिया हुआ है. जैसे पी एच सीओ सीओ पी एच है OH दिया गया. OH क्या करेगा? किसी एक पे अटैक कर लो, इस पे अटैक करोगे बॉन्ड ऊपर चला जाएगा ये बन गया पीएच सी ओ सी के साथ ओ माइनस ये आ जाएगा ओ एच यहाँ पे क्या आ गया पीएच यही है ना अभी एसिड बनने वाला है तो एसिड बनने के लिए क्या होगा शिफ्टिंग होगी किसकी ये ओ माइनस यहाँ से वापस आएगा जैसे वहां पे कोई भी ग्रुप शिफ्ट हुआ था पीएच शिफ्ट हो जाएगा पीएच इस पर पी शिफ्ट करके इधर आ जाएगा ये बिल्कुल तुम्हारा कैनिजारो की तरह हुआ कि एच माइनस जाकर अटैक किया बॉन्ड ऊपर गया नीचे आया वहां पे एच था पी एच का जगह एच माइनस रिलीज होके यहाँ पे गया और यहाँ पे पी एच है नहीं कैनिजारो जैसा कैनिजारो ऐसा ही था ना कैनिजारो में क्या था बस एक ही चीज चेंज था ये इसको मैं लिख दू यहाँ पे तो वो स्टेप ही चेंज हो जाए और कैनिजारो बन जाए देखो तब तो यहाँ पे मान लो एच दिया था मैंने तो बताया था कि कौन सा साइड ज्यादा अटैकिंग है बेंजल डिहाइड और एल्डिहाइड एल्डिहाइड है ना तो ये ऊपर गया था वो एच फिर नीचे आया था यहाँ से एच यहाँ से एच बाहर आया और क्या पी एच सी ओ माइनस आ गया और तो बोला एस एक हो हो गया एक हो गया एक एक अल्कोहल और एक तो वहां पे था बिल्कुल है बस एच के जगह यहाँ पी एच है और कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे क्या हो गया एच के जगह पीएच दिया हुआ है तब क्या करेंगे यहाँ पे पी एच दिया तो बिल्कुल वही यहां पर क्या था पी एच है इसको बाहर करो अब ये पीएच बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा पीएच सी ओ माइनस ये पीएच होगा और ये क्या बन गया सीओ एच और एक बार ये बन गया तो एच प्लस को यहाँ पे कर दो तो हुआ क्या अब इसका शॉर्ट ट्रिक डेवलप करेंगे इतना मैकेनिज्म नहीं सोचेंगे ऐसे तो ज्यादा कुछ है नहीं मगर करना क्या है कैसे करें एक ही कार्बन पे एसिड एक ही कार्बन पे ओएच आ जाएगा एक ही कार्बन पे ओएच OH और सीओएच एच ये तो फिक्स है दोनों आएंगे और ये सिमट के एक कार्बन पे आ गए यही है ना इसको करना कैसे है देखो शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है तुम्हें क्या दिया हुआ है ट्रांसफर ये शॉर्ट ट्रिक से ही करना ट्रांस एकदम अच्छे से क्योंकि कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें उतना नहीं सोच पाओगे बोथ ग्रुप्स टू वन कार्बन दोनों को एक कार्बन पे ले आओ यही किया ना दोनों पीएच को एक कार्बन पे लेकर आ गए और उसी पे सी सीएच और सीओ एच कर दो वहां पे क्या कर दो उसको बैलेंसी पे और वहां पे क्या दे दो एक सीओ माइनस दे दो अदर वन ओ एच दे दो बस हो गया यही था ना कि अपना CO माइनस बना हुआ था एच प्लस दिया हुआ है ना तो दोनों को एक ही पे ले जाना है तो देखो अब ऐसे देगा तो अपना काम क्या होगा इस पर कैसे करेंगे एक एसिड और एक ये दोनों को आपस में ही ले आओ जितने कार्बन थे हाँ तो ये जो कार्बन था राइट वाला उसको भी शिफ्ट करके कहाँ पे लाएंगे इधर लाएंगे ना इस पे ले आए तब तो, तो मेंबर ही चेंज हो गया वो तो फाइव मेंबर बन गया ना फिर ऐसे हो गया और इसी पे क्या कर दोगे सी ओ माइनस और एक ओ एच यही हुआ ना इस ग्रुप को शिफ्ट करके एक ही पे लाना था पी एच सी पी एच और एक ही पे ओ एच और सी ओ माइनस ये ट्रिक याद करना इससे एक बार में हो जाएगा रिंग साइज क्या हो गया ये कार्बन जो था यहाँ वाला इसको इधर लेकर आ आगे रिंग को इधर से इधर ले आओगे तो फाइव हो गया और ये जो कार्बन छूट गया वो क्या आ जाएगा तुम्हारा वो सीओ एच के फॉर्म में चला गया और वो एच के फॉर्म में आ आगे नहीं मतलब एक काम करो ये नहीं ये सीओ के साथ ये कार्बन नहीं ये तो कन्फ्यूजन कर देगा उसके बाजू वाले कार्बन की बात कर रहा था मैं इस कार्बन को ये इसका ग्रुप है ना और ये सीओ एच बन के निकल जाएगा तो ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट तुम्हें लिखना आना चाहिए अलग अलग फॉर्म में देगा जैसे नीचे एक फॉर्म आ दिया है वो देखो तो कैसे किया उसने ऐसे लिया हुआ है यहीं पे डबल बॉन्डो हो सी डबल बॉन्डो ऐसे है ना फिर उसको आगे किया हुआ क्या हो जाएगा देख लो इंट्रामोलिकुलर करने जा रहा है इसमें क्या हो जाएगा रिंग साइज क्या करना था कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे और एक जो कार्बन बन गया वो क्या बन जाएगा सी ओ माइनस बन गया ये हुआ ना चलो बिलिट भी हो गया अपना काम इसके बाद देखो रिएक्शन विथ सेकेंडरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन के साथ क्या रिएक्शन होता है प्राइमरी अमाइन के साथ तो मालूम था तुम्हें है था क्या स्टेप आया था ये जाके इस पे अटैक किया था ये ऊपर आया था आर सी के साथ ओ एच बना था यहां एन एच इस पे प्लस आ गया जी हो गया ये जाके इसको इधर ले जाएगा आर सी ओ एच एच यहाँ पे प्लस आ गया एसिड कैटेलाइज पॉलेस है तो ये मान के चल रहा हूं मैं ये एच टू ओ प्लस आ गया यहाँ पे एनजीएच था अगले स्टेप में ये लोन पे आया एस टू ओ बार ये मैकेनिज्म मॉर्निंग लेक्चर में किया हम लोगों ने आर सी एनजी बन गया एच बन गया ऐसे है ना तभी सेकेंडरी अमाइन रहेगा तो कहाँ तक जाएगा प्रोसेस दो बार ट्रांसफर होगा कि वन टाइम इट विल बी ट्रांसफर मतलब अब आर टू एन एच रहे तो क्या होगा वही कितना था पे? यही है ना तो फिर वही दोगे एसिडिक्लस दोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा एच प्लस जाके अटैक करके इस पे आ गया जैसे वहां बना था तब नाइट्रोजन का लोन पर अटैक किया आर सी ओ एच एच यहाँ पे क्या आ जाएगा एन आर टू ना Clear हुआ तो ये इस फॉर्म में आ गया के साथ ही बार ऐड होगा अब इसमें इन अमाइन फॉर्म में चला जाता वो इन अमाइन फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा एक ही कार्बन पे इन है और एक ही कार्बन पे वो अमाइन वाला फॉर्म आ जाएगा मतलब एनएच हो गया यहां से वो निकल जाएगा आर दिखाया था तो नहीं मालूम चल रहा है यहां से निकल के इन आ जाएगा इनऑल फॉर्म होता है ना इसे तरह ये वर्ड याद कर लेना इसमें इन अमाइन बनता है कैसे इसके जगह आर के जगह सी थ्री रहता है तो यहाँ पे सी टू डबल वन सी करके आ जाता इसको है उसको नेक्स्ट पे करते हैं क्योंकि एच प्लस है तो डिहाइड्रेट हो गई एक प्रॉपर कंपाउंड लेने आर के जगह सीओ हो गया उसने दे दिया आप एन एच कर दो अब एच दोगे तो क्या होगा ये डबल वन ओ पे एच पे प्लस आ गया अब नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां से अटैक करेगा ये लोन पेयर जाके इस पर अटैक किया ऊपर चला गया ये किस फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे ये आ गया ओ एच अब यहाँ पे एन एच आ गया एन एच आ, आ गया और ये रिंग के साथ अटैच था यही वा ना और यहां पे प्लस आ गया जैसे ही लोन पे देगा प्लस आएगा फिर क्या होगा H प्लस एलिमिनेट होगा वाटर को बाहर करेगा से से H H निकलेगा वो H जा के इसको वाटर को बाहर कर दिया तो वो जब वाटर से बाहर आएगा वो एच टू प्लस अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ही है तब क्या होगा H2 तो बाहर जाएगा फिर हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा ना हाइड्रोजन कौन सा एलिमिनेट होगा राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से क्या ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा नहीं लोन पेयर का रेजिनेंस आ जाए जा तो बेटर है ना तो वो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है जिससे लोन पेयर का रेजिनेंस आ जाए जा जा, स्टेबल प्रोडक्ट आ जाए इन अमाइन बन जाएगा ना यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे एन का ग्रुप आ गया इसीलिए एक ही काबन पे इन क्लियर हुआ ना इसमें क्या हो गया रेजिनेंस स्टेबिलाईजेशन है ना रेजिनेंस स्टेबिलाईज इसमें इस पार्ट को हम लोग को नहीं करना था इस साइड वाला नहीं होगा ये जाएगा देख लो अभी हाँ एस टू हटाना है एस टू हटेगा ही एसिड कैटालाइज है ना एस टू हटेगा और नाइट्रोजन उसको स्टेबलाइज करेगा इसलिए डबल वन उसी के साइड आएगा इसीलिए इसका नाम इन अमाइन है इन अमाइन जैसे इन ऑल इन फॉर डबल अमाइन या इन क्लियर हो गया लिखा हुआ नेक्स्ट पेज पे इन अमाइन फॉर्म एच प्लस के साथ दिया हुआ अब ABC एक प्रोडक्ट दिया हुआ ए बी एंड सी क्यों ये तभी क्या है, क्या है? क्या है? तभी अच्छा वो ए प्रोडक्ट के साथ तुम्हें बनाना है इन नमान के साथ क्या प्रोडक्ट होगा ये क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हें तरसी रेमायन के साथ नहीं होगा उसके में एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है कि निकले एक तो एच होना चाहिए कि एच हट सके यहां से ना ये तरसी रेमायन के साथ नहीं जाएगा वो नो रिएक्शन वो रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन पर प्लस रह जाएगा मतलब चार्ज रह ही जाएगा तो अनस्टेबल रह जाएगा मतलब यहाँ पे एन के जगह ये आर कर दोगे तो नहीं होगा वो प्लस चार्ज हटा नहीं सकता ना अपना तो सॉल्ट कैसे बनेगा वो ओके, नेक्स्ट वाला देखो वो क्वेश्चन कैसे देगा उसने बता दिया कि दे, दे देगा और ये कर दिया उसने। अब इसका तुम ए प्रोडक्ट क्या होगा पहला प्रोडक्ट इन हो गया इनामाइन मतलब डबल वन और वहीं पे माइन आक ऐड हो गया मैकेनिज्म क्या अब इसको वो ऐड कराता है तुम्हारा किसके साथ है बी प्रोडक्ट सी एस थ्री सीओ सी एल और एल सी एल थ्री ये तुम्हें याद होगा फ्राफ्ट सी एस थ्री सीओ प्लस बनता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे होगी नाइट्रोजन का लोन पेयर कुछ करेगा तो ये मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट यहीं पे जाएगा ना तो सी एस थ्री सीओ का प्लस चार्ज इसको अटैक कर लो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सीओ सी एस थ्री यहाँ पे आ जाएगा ना डबल वार्ड पे और ये एन के साथ इस तरह से ये रहेगा क्लियर हो गया भी? और आ, है यहाँ पे वहां पे सी एस प्लस डाल दिया गया फिर हाइड्रोलिसिस अच्छा उसका आगे का पार्टिक बचा हुआ नहीं समझ में एक्सप्लेन अगेन ओके देखो नहीं ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया सिलेबस कितने पेज बाकी इसको कर ही लेना आ, ही गया इसमें कितना आ जाएगा इनाम आइन फॉर्म बना दो पहले में क्या हो गया जब इस तरह से किया इधर आ जाएगा ये सी डबल हो, यही है ना एन के साथ जो ये फॉर्म ये होगा इसमें जब तुमने सी एस थ्री प्लस दे दिया तो वो कहाँ पर अटैक करेगा फ्रेडर क्राफ्ट एसाइलेसन आ गया तो नाइट्रोजन जब अपना लोन पे डोनेट करता है तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो ये इसी पर रिएक्ट करेगा ना तो क्या बन जाएगा इस तरह से यहां पर आ जाएगा सी सी एस थ्री और ये क्या बन गया डबल बॉन्ड एन पे प्लस आ गया और ये ग्रुप ऐसे आ गया उसका करो तो सी डबल बॉन्ड है याद होगा इसको ब्रेक करना होता है ना इसको सीओ और इसको एस टू दे दो यही है ना तो ये क्या बन जाएगा सीओ सॉरी ये नहीं था सिंगल बॉन्ड सीओ सी एस थ्री और ये सी डबल बॉन्ड एंड के डोलिस सीओ और यहां पे एन के साथ प्लस चार्ज यही है क्लियर हो गया आगे जितने रिएक्शन है अनकॉमन है ग्रे एरिया में वो सब आते नहीं है नहीं देखते जाओ सब क्लियर ओके नेक्स्ट देखो बेंजिलिक एसिड तक ही इंपॉर्टेंट है वो तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे मालूम चल जाएगा रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड हाँ ये भी कहीं कहीं दे देते हैं सी टू डबल वन सी एच हाँ ये दे देते हैं क्वेश्चन ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है अब इसको तुम ऐसे करो इस तरह से इधर और ये इधर ये क्या बन जाएगा रेजिनेंस में सी प्लस सी डबल वन सी एच माइनस और एच ऐसे होगा ना मतलब तो इसमें दो साइट है इसको अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल दो साइड पर अटैक कर, तो कर सकता है या तो अटैक कर सकता है लिखते हैं हम लोग राइट right? तो यहाँ पे सी पे प्लस चार्ज है और सी टू पे प्लस है इसमें सॉफ्ट एसिड कौन सा हार्ड एसिड कौन सा तो जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो ये जो कार्बन पे आ गया ये वाला पार्ट ये सॉफ्ट एसिड हो जाता है यहाँ पे ये सॉफ्ट एसिड होगा और ये वाला जो पार्ट होगा इसको ब्रेक करोगे तो हार्ड एसिड है तो जो हार्ड एसिड होगा या हार्ड बेस होगा जिसपे बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज है, है ना हार्ड बेस ये हार्ड बेस कौन से हो जाते हैं आर माइनस एच माइनस तो वो किस CO पे अटैक करेंगे सीओ पे सॉफ्ट एसिड कौन सा हो जाता है ये जो सॉफ्ट बेस होंगे जो हैं, NH3, ROH, लोन पेयर वाले एन एस थ्री आर ओ एच ये सब लोन पेयर वाले सॉफ्ट बेस है तो वो पे टर्मिनल पे अटैक करेंगे ये सब पे अटैक करेंगे ये सब जो होगा इस टर्मिनल पे जाएंगे और हार्ड एसिड आर माइनस एच माइनस डायरेक्ट इस पे अटैक करेंगे तो जैसे कि सी एच टू डबल वॉन्ट सी एच के साथ सीओ एच दे दिया जाए और एल आई एल एच फोर दे दो तो इसमें क्या H है एच माइनस है एच माइनस कहाँ अटैक करेगा ये हार्ड बेस है ना तो इस पार्ट पर करेगा वो नहीं जाएगा अभी तो तुम, तुम इसको सी एस टू डबल वॉन्ड सी एस दे दोगे ना तो इसका टेंडेंसी ही नहीं उधर जाने का आर ओ एस जो हो गया सॉफ्ट सॉफ्ट बेस पड़ गया तो सॉफ्ट पार्ट पे अटैक करता है इधर अटैक करेगा इधर जाएगा, इधर जाएगा ये इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा वो सी एस टू के साथ यहाँ ओ आर आ जाएगा सी एच डबल वन सी और यहाँ पे ओ OH आ जाएगा ऐसे फिर इन-ऑल का किटो बना दो तो सी एच टू के साथ क्या होगा सी ये सिंगल आ जाएगा ना और ये डबल वन सी आ जाएगा फिर वो तो एल्डिहाइड एज इट इज तुम्हें दिखेगा जैसा था एल्डिहाइड एज इट इज बचा हुआ सिर्फ इस पार्ट पे ओ आर और एच एड होगा ऐसा दिखेगा उस पार्ट को कुछ नहीं हुआ ना सोचो तो

देर अटैक करेगा और हार्ड बेस कौन सा हो गया जिसमें h- मिलता है और dival h l l s por r l i r mgf उधर जाएगा क्लियर ओके नेक्स्ट वन माइकल एडिशन देखो माइकल एडिशन में क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है दिया फिर उसको उसी अल्फा वाले को मतलब न्यूक्लियोफाइल एक जनरेट करके रिएक्ट कर रहे हैं तो होगा क्या कि जैसे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच है और तुमने जनरेट कर दिया यहाँ पे सी एच टू के साथ ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है इसका हाइड्रोजन हटा दो वो तो बहुत आराम से हट जाएगा माइनस दोगे नहीं कि यहाँ से एच प्लस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सी एच माइनस अब ये सी एच माइनस जो होगा वो जाके इस पार्ट पर अटैक कर देगा सॉफ्ट पार्ट है सॉफ्ट पर अटैक किया तो क्या बन जाएगा ये सी एच टू के साथ सी एच सीओ एटी ट्वाइस यही बनाना और यहाँ पे क्या करोगे सी एच डबल बॉन्ड सी के साथ ओ OH एच आएगा एच आएगा तो वापस किटो में आ जाएगा इसका तो वही पार्ट रह जाएगा ना किटो पार्ट में आ जाएगा तुम्हारा और यहाँ पे क्या हो गया एक्स्टारायड हो गया यही रिएक्शन हो गया ना तो इसमें सी एच सीओटी ट्वाइस और ये सी एच टू सीओ एच वापस कर दो ये यही हुआ हाँ पे कहा होता है बिटान सैचुएटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले लोगे तो अंडर गोस कंडेशन विथ एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव मिथिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्शन टेक्स प्लस एट सी डबल वन सी तो सी डबल वन सी पे ही जाएगा और अकॉर्डिंग टू तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक क्या है निगेटिव पार्ट कहां पर जाकर अटैक किया जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बस वही माइकल एडिसन हो गया जो अभी अल्फा अल्फाब का कर रहे थे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तो डायरेक्ट लर्न कर जाओ इसको कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो पूछेंगे भी नहीं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हाँ। reaction, नहीं बुकलेट से बिलॉन्ग कर सकते हो बट आएगा कुछ भी नहीं ठीक है उसके बाद क्या रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड एल्कीन ये सब नोट्स में है मैं नोट्स ही बताते जा रहा हूं पासल नोट्स सामने देखते जाओ ये इतना वाला पार्ट लर्न करोगे बट कुछ आने वाला नहीं है सब पॉलीमराइज़ेशन और पूछ के क्या करेंगे हम लोग मेन टॉपिक सारे हो गए ये साइड टॉपिक है जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें क्या होता है इसका मतलब ये नहीं कि चले जाओ तुम लोग दस मिनट और जाओ हो जाएगा सी एच टू के साथ एच सी ओ एच कुछ चीजें फालतू वाली भी पड़ी रहती है ना तो देख लेना पड़ता है तो तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया वही जाकर टर्मिनल पे अटैक कर जाएगा यही होगा ना प्लस चार्ज इधर अटैक कर जाता था टर्मिनल पे सो दैट ये इधर आ जाएगा मार्कोनिको फाइडी से नहीं था ना एल्डिहाइड को भी तुम इसको आपस में ऐड कर ले रहे हो यहाँ पे सी एच टू आ गया और यहां पे क्या हो गया सी टू वो एच आ जाएगा बाद में वाटर से बाद में वाटर आएगा और इसको क्या दे जाएगा ये एस टू अटैक करके वो एच दे गया एल्कीन पे, पे तुम ऐड कर सकते हो फॉर्मल एड कर यही है ना नेक्स्ट पेज पे यही मैकेनिज्म दिया और कुछ भी नहीं है देख लो ओके okay. Picture, तो इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन हेलोजिनेशन में क्या हो गया अल्फा पोजिशन पे हेलोजिनेशन होता है ये तो खैर हैलोफॉर्म रिएक्शन और कुछ नहीं है सी एस थ्री सीएस सी एस थ्री और बी आर टू के साथ एनो एस तो ये तो किया हुआ ना डिटेल में हेलोफॉर्म क्या बन जाएगा सीएच बी आर थ्री ना और दूसरे क्या क्या बन जाता है एसिड सी एस थ्री सी एच Do form reaction, में देख लेना यहाँ पे भी आते रहेगा वो right? राइट अब ये एसिडिक मीडियम में भी अल्फा पोजिशन पे एसिडिक मीडियम वो भी दिया हुआ है जिसका कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं है बट देखते जाओ एसिडिक मीडियम में क्या होगा सी एस थ्री सी सी एस थ्री है और बी आर टू के साथ एच प्लस दे दो तो कैसे रिएक्ट करेगा तो पहले तो इनोलाइजेशन हो गया इनोलाइजेशन बन के क्या हो जाएगा तो इस तरह से बना दो और उसके बाद क्या होगा ब्रोमिनेशन हुआ हो है तो बी आर क्या होगा कहीं भी पाई क्लाउड के नजदीक गया ऐसे यहां बी आर माइनस बाहर आ जाता था यही लोन पे शिफ्ट हुआ इधर आ गया तो क्या आ जाएगा सी एस टू बी आर या फिर वो वापस बन गया अपना वो सी ओ एस तो एक्स्ट्रा ही था सी ओ के साथ सी एस थ्री अल्फा पोजिशन पे हेलोजिनेशन हो जा रहा है ना एसिडिक कंडीशन पे भी ओके नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ ओडी माइनस और डी टू ओ तो ये तुमने कीटो इनिजियम का पार्ट है ये डी टू ओ दोगे तो क्या होता है ऑल अल्फा पोजिशन पे टिजियम में किया है तुम लोगों ने ओडी माइनस और डी टू दोगे तो ये टोटोमेरिजियम ऑलरेडी पूछा हुआ है तो यहाँ पे नहीं पूछेंगे वो क्या जाता था सी डी थ्री सी ओ सीडी थ्री सारे अल्फा पोजिशन के कर देना जितने एसिडी खड़े हुए सबको बना दिया जाता है यही है ना ओके, okay. नेक्स्ट में देखो uh, वाइसोमरीज वाला पार्ट ये टोटोमेरिजम वाला पार्ट की कहाँ कहाँ पे डी आएगा बस इसमें कुछ रॉन्ग हुआ है फर्स्ट तो ठीक है सेकंड में टोटोमेरिक फॉर्म की बात करें तो सी एच थ्री तक तो ठीक है बट वो सी एच डी कैसे आ गया वो रॉन्ग हो रहा है कैसे होता है ये सर ये तुम भूल गए क्या अल्फा वाला पार्ट इसको क्या करोगे जैसे ही तुम आइसो करोगे ना तो ये सी CS, एस मान लो सी एस थ्री था ये था, था, टोटोमेरिजम का ये मैकेनिज्म है कि ये सी एस थ्री आ गया ओ माइनस क्या करेगा यहां से लेके गया इसका पार्ट को ये शिफ्ट होके इनॉल्व में आ गया तो क्या बन जाएगा सी एस टू सी ओ माइनस सी एस थ्री ऐसा है ना अब ये जब शिफ्ट होगा तो इसकी टेंडेंसी तो वापस है इधर आने के बट यहाँ पर जब वापस आएगा तो इसको डी मिलेगा ये डी बन जाता है यहाँ पे तो क्या बन जाएगा सीएस टू डी सीओ सी एस थ्री ऐसे आया ना स्लोली बाकी तीन बाकी तीन हाइड्रोजन भी हट जाएगा तो ये सब क्वेश्चन वहां पे था कि ये दे देंगे ना? तो क्या होगा क्या ये प्रोडक्ट बनेगा क्या यहाँ पे डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो यहाँ पे डी डी आएगा क्या ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आइसोमेरिज में तो ये नहीं होता नो टोटोमेरिजम एंटी तो टॉटोमेरिज़म नहीं हो पाता है तो जहां पे टॉटोमेरिज़म पहुंचेगा वही होगा और कोई नहीं होगा ठीक है इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं मैं जो सेकंड और थर्ड वाला टॉटोमेरिज्म वगैरह तुम लोग का नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना नहीं हाँ नहीं, ये, ये सब बुकलेट में नहीं है ये सब कहीं कहीं टॉटोमेरिज्म का टॉपिक है ना तो ये चीज पढ़ लेना अब ये पार्ट जो जो टोटोमेरिजम वाले अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो निकलते जाएंगे मतलब तुम्हारे पास सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री रहे तो तुम्हें बस ये इसको हटाना होगा डी टू और o D सबसे पहला मैं जो हम लोग करेंगे यही करेंगे वाला, ये सब तुम लोग का प्रॉब्लम है ना इधर आ जाएगा इसके बाद क्या है अब सीएस थ्री ये सब याद भी है कि नहीं टाटोमेरिजम तो ये टाटोमेरिजम शो करेगा ये करेगा ये दोनों नहीं करते ये नहीं करेंगे तो सिर्फ ये सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच सी डी थ्री जितने अल्फा हाइड्रोजन है वो चेंज हो जाएंगे ठीक है तो इसे इसे एक बार सर के नोट से उसमें देख लेना ओके एसिटिलाइड के साथ कैसे रिएक्शन है कहीं कहीं पे दे, दे देते हैं क्यों ये हम लोग ने किया था कि आर ट्रिपल वन सी एच दिया इसको दे दिया क्या किया इसको हटा के सी पे माइनस आ गया तो सी माइनस एक बार बन गया तो बस इस हो जाता है। और कुछ भी नहीं रहता था आर सी ओ एच आ जाएगा यहाँ पे यहां, सी ट्रिपल वी आर आर आ जाएगा ये दोनों को भी ऐड कर सकते हो ना ओके कीटोन पे भी ऐड हो सकता है ये याद करना ना थोड़ा तुम लोगों का को रह गया था चलेगा वेन कीटोन are हाइड्रोलाइज कीटोन प्लस Mg यहाँ पिनाकोल बनता है डेड के साथ क्या था आर एमजीएक्स आर एक्स का आर एम जी एक्स है ना आर एक्स के साथ Mg डालोगे आर एम जी एक्स बट कीटोन के साथ डालोगे तो पिनाकोल हो जाता है वो क्या बन जाएगा आर डाइमर बन जाएगा RCOH, COH. यहाँ पे आर आ जाएगा ये आर आ जाएगा ऐसा बन जाएगा होता क्या है मैग्नीशियम क्या करेगा मैग्नीशियम विल गिव टू इलेक्ट्रॉन एनजी टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन अब ये दो इलेक्ट्रॉन में जाके इस पर अटैक कर दो आर सी ओ आर ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा यहाँ पे ये इधर जाएगा ये इस साइड चला गया है ना दो इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए यहाँ पे तो क्या बन जाए सॉरी एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया तो आर सी ओ माइनस बन जाएगा और ये फ्री रेडिकल बन गया ये आर हो गया यहाँ डाइमर बन जाएगा फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा जैसे वर्ट्स में था सोडियम डालने पर सीओ के साथ गया उसके बाद नेक्स्टमेंट पे जो पहले किया था हम लोगों ने उसके बाद स्टीफन रिडक्शन है ये भी किया है हम क्लियर उसके बाद क्वेश्चन है मतलब सब उसके बाद मतलब डाउट्स क्लियर है सी एफ थ्री सीओ थ्री एच ये कौन सा है बियर विलीजर रिएक्शन तो कहा अटैक करना था जो मोर सब्सटीट्यूटेड हो उस क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ है पहला दो क्वेश्चन तक क्या हुआ इसमें यही दिया है उसने पी एच सी ओ और एक साइड क्या कर दिया ना इसके साथ ओ एम ई दे दिया तो मोर सब्सटीट्यूटेड या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे तो तुम सी एफ थ्री सीओ तो कहाँ जाएगा सी एफ uh, दो ट्रिपल ओ है पैरासिट तो जो राइट हैंड साइड वाला वही जाएगा ना हाँ तो उसको मैकेनिज्म से करने की जरूरत नहीं है बस ये याद करो मोर जो सब्सिट्यूटेड होगा उस साइड कर देना है तो ये क्या बन जाएगा इधर बेंजीन एज इट इज डिग्री टू डिग्री वन डिग्री ऐसे था ना तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहीं पे कर देना क्लियर नेक्स्ट में इस, इसी का दिया हुआ है और उसके बाद वाले रिएक्शन पहले से हम लोग ने किया है में देख लो रेस्ट कहीं ना कहीं के सब क्वेश्चन का डिस्कशन है ने? बस वो क्वेश्चंस देख लो तो अपना काम यहाँ पर ओवर हो जाता है एल्डिहाइड क्रटोन का